हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ। मैं अशोक राजाराम सालवी सीओ नवी मुंबई केंद्र से बोल रहा हूँ। पिछले साल बहुत बड़ा तूफान आया था महाराष्ट्र में, और मेरे में जो जगह थी जिसमें मेरे खेती चलती थी, बाग चलती थी, वो राजापुर रत्नागिरी राजापुर आडिवरी नाम का गांव था। वो समुद्र के बाजू में रहने के वजह से हमेशा उधर जैसा ये तूफान आ जाते हो तूफान का डर ज़्यादा ही रहता था। उधर हमें हर साल कुछ ना कुछ भी उधर तूफान के वजह से नुकसान होते ही रहता था। दो साल तक मैं अपना कोरोना के वजह से उधर जा नहीं सका था, इसलिए उधर मालूम नहीं पड़ा था कि क्या होगा है क्या नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, उनको मैं फ़ोन करके बता दिया कि भाई ये नाम का ऐसा ऐसा तूफान आ रहा है, आप ज़रा आने के बाद ज़रा बाग में जाके घर पर जाके ज़रा देख लेना मेरा उधर कैसा हालत है क्या है। और जैसा मैं टीवी पे सुन रहा है वैसा तो मेरे उपासना बापा की तो रोज़ चलती ही थी, लेकिन वो टाइम पे मैं ज़्यादा बापा को रिक्वेस्ट किया, बापू ये भयानक तूफान आ रहा है, इससे मेरा घर और बाग थोड़ा बचा लेना, क्योंकि मैं इधर दो साल से इधर है, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। ऐसा मन में मन बापा का मैं प्रार्थना करता था। और वो दिन आ गया और मैं फ़ोन किया मेरे दोस्त को उधर, भाई इधर तूफान चालू हो गए क्या? हाँ बोला, अभी चालू हो गया है। तो ठीक है, बंद होने के बाद ज़रा आप कृपा करके मुझे बताइए उधर का क्या हो गया क्या नहीं। बराबर 24 घंटे के बाद मैं वही मेरे दोस्त को फ़ोन किया, उसको फ़ोन लगा और वो बोलने लगा मैं तुम्हारे बाग में ही है और इधर घर वगैरह सब ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा इधर कुछ नुकसान हुआ नहीं है। इतना बोल के फ़ोन कट हो गया। बाद में 8 दिन के बाद ही उसके पास मेरा फ़ोन से संपर्क हो गया और मैं आश्चर्य कर रहा है कि बापू ने क्या कृपा की मेरे ऊपर कि जो उधर तूफान चालू था उधर तो सब लाइट बंद होना चाहिए, लाइट तो बंद था लेकिन वो मेरा दोस्त का फ़ोन चालू था और 24 घंटे के बाद में रिपोर्ट के लिए उसका फ़ोन चालू रख दिया, उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। ये सब मेरे बापू की कृपा है और उसने मेरे अपना उधर का बाग और इतना उधर नुकसान हो गया था, ज़बरदस्त नुकसान होने के बाद भी मेरा इधर बापू ने कुछ भी एक बिल्कुल भी कुछ नुकसान नहीं किया। ये पूरी कृपा मेरे बापा की है। हरिओम अम्बज्ञ।